साथियों नमस्कार। यदि आप PSEL इंडिया लिमिटेड में पैसा जमा किए हुए हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है कि आज 31/7/2019 ऑनलाइन करने की जो सेबी द्वारा दी गई थी समय सीमा वो समाप्त हो रही है। अब इसमें नया डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पहला पहलू तो यह है। यदि डेट नहीं बढ़ा तो ऑनलाइन करने की आज ये आखिरी मौका होगा। लेकिन साथियों, बहुत सारे लोगों का अभी ऑनलाइन नहीं हो पाया है, वो लोग हैं जिनके नामनी के नाम से आवेदन करना है या जो खरीदे हुए बॉन्ड हैं उनके नाम से आवेदन करना है या जिनका बॉन्ड और रसीद दोनों गायब हो गया है, उनके पास इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है, उनको आवेदन करना है। ऐसे लोगों को आवेदन करने का मौका आने वाले कल से यानी 1/8/2019 से मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी तक सेबी की जो साइड है वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दिख रहा है। देखिए साथियों, मैंने सेबी की साइट खोली हुई है, सेबी की साइट में अभी तक कोई भी नया अपडेट PSEL की तरफ से नहीं आया है। अगर हम PSEL लिमिटेड पर सर्च करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो आप यहाँ मौके पर देख सकते हैं कि कोई भी नई अपडेट PSEL की तरफ से अभी तक नहीं आई हुई है। जो भी अपडेट आई हुई हैं वो अपडेट अभी तक पुरानी ही है। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि मीडिया में भी जो पब्लिश नोटिस है, इस नोटिस में भी अभी तक कोई नया अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लास्ट अपडेट देखिए फरवरी का है, इसके बाद से कोई नया अपडेट अभी तक नहीं आया हुआ है। इसके अलावा हमने कई जगह पर ढूंढने का प्रयास किया नए अपडेट का, नए अपडेट अभी नहीं मिल पा रहे हैं। तो साथियों, कल का समय का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको भी हमको भी। तो हम बता रहे हैं कि ऑनलाइन करने का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। साथ में ही साथियों, यदि आप लोग के पास बॉन्ड बचा हुआ है, कोई भी ग्राहक ऐसे हैं या जमाकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो लोग आवेदन ज़रूर कर दें। आज थोड़ा सा आवेदन करते समय जो है दिक्कत भी आ रही है कि फाइल से होने में बड़ा समय लग रहा है और कभी कभी फेल्ड भी हो जा रहा है। तो आप लोग आवेदन आज यदि नहीं कर पाते हैं तो पैसा मिलने का जो मौका है वो आपके हाथ से छूट जाएगा यदि डेट नहीं बढ़ा तो। तो साथियों, आप लोग के पास जो भी बॉन्ड रसीदें या जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी ऑनलाइन करने का प्रोसेस करें और ऑनलाइन को सफलतापूर्वक लॉक करें। यदि नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि पैसा आपको ना मिले। साथियों, आज की इस जानकारी बस इतना ही। अगला जैसे ही लेटेस्ट कोई जानकारी आती है तो हम आप तक लेकर के हाजिर होंगे और पहुंचेंगे। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर फिनो पेमेंट बैंक, PSEL इंडिया लिमिटेड और सहारा परिवार की नवीनतम जानकारी मिलती रहती है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।